कृष्णा तुम्हारा प्लानिंग भी इसी रूम में हुआ था। सलाम नमस्ते वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से व्लॉग में एक सवाल पूछा था, क्या आपको वीडियो व्लॉग व्लॉग बना रहा हूँ। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से एक व्लॉग में पूछा था क्या आपको हमारे मैं बोल रहा हूँ कि वेलकम बैक, बोलो वेलकम बैक, वेलकम बैक चैनल। हाँ वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैंने आप लोगों से पूछा था सवाल, क्या आप लोगों को मेरे इस ससुराल का और हमारे इस सरकार के मायके का टूर चाहिए, यानी इस घर का टूर। तो ये प्रॉपरली टूर व्लॉग होने वाला है, होम टूर व्लॉग। तो आप लोगों ने कहा था कि हाँ हमें चाहिए। तो आज बहुत दिनों बाद हमारे सरकार को मनाने के बाद फाइनली ये रेडी हुई है। ये दोनों बहनों के जुदा होने का टाइम आ गया है। दो तीन दिनों में हम लोगों को यहाँ से निकलना है मुंबई के लिए। मैं तारीख तो आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोगों को सरप्राइज पता चल जाएगा व्लॉग में। ये हमारे सरकार का घर है, मैं आपको पूरा टूर दूंगा उसका। और हमारी रागनी जी भी हमारा साथ देगी, वो थोड़ी नर्वस है तो मैं भी उसकी हेल्प करूंगा। तो ये घर है, घर के सामने ये आंगन है, इसको कहते हैं इनके भाषा में दूरा, बराबर है ना, बाद। और हमारे ये ससुराल के सामने है लीची का पूरा बाग, बाप रे बाप इतना बड़ा बाग लीची का। और साथ ही साथ घर को लगकर ही है नींबू का पेड़, ये दुनिया का एक सबसे बड़ा नींबू है, मीठा नींबू होता है ये। अब चलते हैं घर की तरफ, चलो वहां से एंट्रेंस होके फिर आया यहाँ पर, फिर यहाँ से इनका घर है भाई। चलना रागनी बताना तू ही कि भैया बकरी वाला घर, ये बकरी वाला घर, यहाँ पर सब बकरियां बांधते हैं, यहाँ पर चार पांच हुक लगाए हुए बकरी बांधने के लिए। हुक या क्या बोलते हैं इसको, खुटा, क्या खुटा बोलते हैं, खुटा खुटा या खुटा, खुटा क्या खुटा है और तुम झूठा है। बकरी का खाने का सामान भूसा, ये है बकरी का भूसा, ठीक हमारे रागनी के दिमाग जैसा। मस्ती किया, चला जा, मस्ती किया मैं, बस क्या यार, मस्ती किया मैं, चला जा। और ये किचन है, ये किचन में बहुत गर्मी होती है क्योंकि हमारी ये गरम गरम साली आज बहुत गुस्सा है यहाँ पर, आज इसका सर एकदम तपा हुआ है तो आज किचन भी पूरा गर्म है। अरे छोटा सा किचन है, छोटा सा किचन कौन से एंगल से, किसको छोटा किचन लग रहा है। किसको ये छोटा किचन लग रहा है रागनी, हम लोग जब देवनार में रहते थे ना तब इतना बड़ा हम लोग का घर भी नहीं था, तू यकीन नहीं करेगी। और तू बोल रही है छोटा सा किचन। ये किचन से डायरेक्टली मुड़ते हुए यहाँ पर आता है ये आंगन, या आप इसे हॉल भी बोल सकते हो घर का, और ये काफी बड़ा हॉल है। और ये हॉल के ठीक सामने हमारे नाना जी है जो अपना लंच कर रहे हैं। नाना जी को भूख लगा हुआ है, नाना जी खाना खा रहे हैं। ये पीछे है हॉल और इसको लगकर ही तीन रूम है, एक ये और पीछे दो है, वो बाद में दिखाऊंगा। तो जाते हैं इस रूम में, ये रूम एक्चुअली हमारे सरकार, ये रूम बेसिकली हमारी सरकार के भाई जी और उनके भाभी जी का है। यही है अंदर एंट्री मारते हुए, ये भी रूम काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। रागनी आप कुछ कहना चाहेंगे इस रूम के विशेषता के बारे में। रागनी तो ठकुरन लग रही है एकदम, जैसा वो शोले पिक्चर में ठाकुर के नहीं के दोनों हाथ टूटे रहते, उसने शॉल उड़ा रहता है। और ये टुल्लू राम। ये दूसरा रूम हो गया, इस रूम में बेसिकली क्या रखते हैं, क्या होता है इस रूम में, बोलो। इस रूम में ऑलरेडी ये भाभी का ट्रंक है जिसमें पूरा सामान रखते हैं, और ये मेरा ट्रंक है जिसमें शादी में देने के लिए रखी हुई थी मम्मी, ये मेरा सामान हुआ। और इसमें चावल है, इसमें गेहूं है, इसमें चावल है, इसमें मूंग है। अरे वो सब नहीं बताने का, सुनिए था। हाँ अच्छा बोल बोल बोल, जो तेरे को बताने का बता, यही है ये रूम है दूसरा वाला। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि नीचे जो है लादी या कुछ ये नहीं है, टाइल्स वगैरह नीचे मिट्टी है, बेसन बेसन ना, बेसन नहीं, हाँ हाँ अरे उसको बोलते ना गाय का गोबर, गोबर गोबर का भी संते है ना। हाँ ये खिड़की है, ये खिड़की है, ये ठुल्लू है, ये मम्मी है, ये गेहूं है, ये अचार है, ये लोई है, अचार है, ये अचार है, ये डब्बा है, ये रंग के
तो ये हो गया दूसरा रूम, और इसमें भी खिड़की है, और हर रूम में नेचुरल एयर कंडीशन बनाया हुआ है कि बाहर से हवा आए। हाँ, ये खिड़की और ये खिड़की वाली है और ये खिड़की वाला और इधर ये सोफा वोफा पड़ा हुआ है, ये सोफा, इधर ये बेड, इधर ये दूसरा बेड, और ये सोफा है। हमारी रानी जी जब भी खाती पीती है तो इधर ही सोफे पर पड़ी रहती है। अरे वो सब नहीं बताने का मेरे बाप, दलिया, सब्जी, चावल, गेहूँ, वो सब नहीं बताने का है। ये रूम कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तुम्हारा प्लानिंग भी इसी रूम में हुआ था। तो ये रूम है तीसरा रूम, ये बेसिकली जब हमारी शादी हुई थी तो हम दोनों को दिया गया था, और फिलहाल तो इस रूम में पूरा मैस है क्योंकि इधर सारी की सारी चीज़ें मेरी पड़ी हुई है, लैपटॉप, बैग वगैरह। अभी हम लोगों का जाने का प्लान है तो सारी चीज़ें पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, और ये भी एक काफ़ी बढ़िया रूम है, और यहाँ से खिड़की भी हवा आने के लिए, जैसा नेचुरल एयर कंडीशन सभी रूम में, इसमें भी है। हाँ, मास्क, और ये छोटा सा प्यारा सा मंदिर भी है यहाँ पर, देव बप्पा, अग्नि कौन सी देवी का, काली माता ना, ये हमारी कुल देवी है, कुल देवता ना, ये हमारी कुल देवता काली माता, उसका मंदिर है। आ ले ले ले, अरे मेरा छोना, ले 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 ले, सदा सुहागन रहो। क्या मामा को दे दो, बेचारा प्यारा बच्चा है, बाकी मस्ती करता है लेकिन बहुत प्यारा और बहुत भोला बच्चा है। डैडी को तो कोई भी पप्पी नहीं लेता है। तो इस रूम से निकलते ही आप लोगों को हॉल दिखेगा, यानी कोई भी रूम से आप निकलो, बाहर आते ही आप लोगों को हॉल दिखेगा। हाँ, है ना, और यहाँ पर भी एक मस्त स्पेस है, हर रूम के बाहर एक मस्त स्पेस है घूमने चलने के लिए। और इस तरफ है जगह कल पे जाने की, यानी हैंडपम्प, ये सनी देओल की फेवरेट जगह है क्योंकि यहाँ पर हैंडपम्प है, और जैसे आप लोगों को हैंडपम्प और सनी देओल की कहानी पता है, और यहाँ पर एक उदास आत्मा भी बैठी है हमारी साली, जो कि आज थोड़ी उदास है, भड़की हुई है, पता नहीं शायद मैं जा रहा हूँ इसीलिए, मेरे से बहुत प्यार करती है साली साहिबा, तो मैं जा रहा हूँ मुंबई तो इसलिए आज बहुत उदास है। इनका नाम है अल्पना। अल्पन जी आप क्यों उदास हो, मैं आऊँगा ना वापस आपके लिए, बस आपके शादी में नहीं आ पाऊँगा, आपकी शादी किसी और से होते हुए नहीं देख सकता मैं अल्पन, सच्ची में इतना बड़ा दिल नहीं है अल्पन मेरा कि मैं तेरी शादी किसी और से होते हुए देखूं। कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, वो नहीं बोलेगी। तो ये खाली स्पेस जिसे स्पेशली रखा गया बकरियों के लिए, बराबर ना, यहाँ पर भी बकरियाँ बांधते हैं जैसे आप लोग देख सकते हो हुक है यहाँ पर, और ये जो कल है ये पूरा खुला खुला है, यानी आप नहाते टाइम पे वादियों का आनंद ले सकते हो, अगर बारिश हो रही है तो बारिश आपके ऊपर गिरती रहेगी, और मस्त एक खेत का नजारा आप लोगों को मिलेगा। हाँ, क्या मस्त है यार, कसम से। चलो अभी टेरेस पे, ये है स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए, और जो स्टेयर्स ऊपर जाती है वही स्टेयर्स नीचे भी आती है, इट इज अनबिलीवेबल, ऐसा पहले कहीं आप लोगों ने देखा नहीं होगा घर में। ये हमारी रागनी जी की छत, यानी हमारे रागनी जी के घर की छत, और यहीं पर हुआ था हमारे फेरे। अब उसकी कहानी मैं आपको आने वाले व्लॉग में बनाऊंगा, पता नहीं ये व्लॉग हम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। मैं एक व्लॉग बनाना चाहता था हमारे अरेंज मैरिज की लव स्टोरी, लेकिन बहुत देर हो गई और अभी दो तीन दिन में हम लोगों को मुंबई के लिए निकलना है, तो देखते हैं अगर इस व्लॉग के बाद अगर वो व्लॉग शूट हुआ तो वेल एंड गुड। और इस छत को लगकर ही बहुत सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आसपास, पहले तो अपना खेत दिखा रहा है, नहीं देखो पहले छत पे से आप नज़ारा देख लो चारों तरफ, देखो ये लीची वाला बाग, और यहाँ से बाबा बाबा बा, और वो हाईवे है जो सब चीज़ों को कनेक्ट करता है, आगे जाके इनके मामा जी का घर है। ये खेत है धान वाला, कौन सा है ये वाला, अच्छा तो ये वाला खेत है अपना, और ये कौन सा धान लगा हुआ है, चावल वाला धान, चावल मतलब ये उधर तक ना, हाँ ये कोने तक, और इनके बाद ये आम का झाड़ है, ये आम का झाड़, हाँ ये आम का पेड़ है, और वो आमला का पेड़ है, इसको वो बाद वाला पत्ती वाला ये वो, उसके बाद वो भी चावल का ही है, अच्छा वो भी अपना ही है ना, ये भी अपना है, ये आम का पेड़, उसके बाद आमला का पेड़, और ये पेरू का पेड़, बराबर, हाँ आम, आमला, पेरू, बड़ा नींबू,
जैसा मैं कह रहा था वीडियो के बीच में कि मेरी वाइफ की एनर्जी थोड़ी लो लग रही है, नहीं तो वो हमेशा व्लॉग में एकदम फुल ऑन एनर्जी के साथ फुल धमाल मचाती है। और अभी चेक किया तो उसको बुखार है और वो अभी थोड़ा रेस्ट कर रही है, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों में हमें एक लंबा ट्रैवल करना है बिहार टू मुंबई, 36 to 37 आज की जर्नी ट्रेन में कम्प्लीट करनी है, तो उसका रेस्ट करना ज़रूरी है। तो ये व्लॉग बगैर मेरे वाइफ के समाप्त करना पड़ेगा। तो ये व्लॉग एकदम रैंडमली शूट किया, कैसा भी फैमिली वैमिली बच्चा वच्चा सबके साथ कैसा भी शूट हो गया, तो मैं नहीं जानता कि कैसा आउटपुट है। अभी आप लोग ही डिसाइड करो। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट जरूर करना। तो बस बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, और आप कमेंट करके जरूर बताना व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, ये बात कैसा लगा टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय बोल देना इनकी, चल बाय 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 बाय।